बॉलीवुड में हर तरह के लोग होते हैं दोस्तों, हर तरह के कलाकार, हर तरह के डायरेक्टर, हर तरह के सिंगर, हर तरह के राइटर। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये सोचने लगते हैं, उन्होंने जो किया है वो कहीं ख़राब ना हो गया, पैसों की बात बात नहीं। ऐसे हमारे बॉलीवुड में थे किशोर कुमार साहब। एक से एक हिट गाने दिए, एक्टिंग में कमाल, हर चीज में परफेक्ट, क्योंकि वो हर चीज को सोच समझ के करते थे। मैं बात बता रहा हूँ उन दिनों की जब राजेश खन्ना नए नए बॉलीवुड में आए थे, हीरो बने थे, फिल्में लगातार हिट नहीं हुई थी उनकी, उस समय तक सुपरस्टार नहीं बने थे। तब राजेश खन्ना की एक फिल्म के लिए किशोर कुमार ने गाना गाया, फिल्म का नाम था आराधना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस गाने को गाने के बाद किशोर कुमार साहब को लगा कि ये गाना तो जबरदस्त हिट है, लेकिन अगर ये गाना मिसयूज हो गया तो किस हीरो पे पिक्चराइज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। किशोर कुमार वो चीजें सोचने लगे और उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत जी से कहा कि आप किस हीरो को ले रहे हैं, ये जो मैंने गाना गाया किसके लिए गाया है। तब शक्ति सामंत ने कहा कि एक नया हीरो आया, दो तीन फिल्में उसकी रिलीज हो चुकी है, राज, द ट्रेन, बहुत अच्छा है, लेकिन किशोर कुमार संतुष्टि नहीं हो रहे। किशोर कुमार ने कहा कि आप राजेश खन्ना को बोलो मुझसे आके मिले, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने किसके लिए गाना गाया, कहीं ये गाना खराब ना हो जाए। शक्ति सामंत समझ गए कि अब किशोर कुमार साहब राजेश खन्ना को परखेंगे, अगर किशोर कुमार साहब को ऐसा लगा कि ये गाना खराब हो जाएगा राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज करके, तो वो इस गाने को फिल्म में ना डालने की कहेंगे। फिर भी शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को किशोर कुमार के घर भेजा। राजेश खन्ना किशोर कुमार से मिलने गए, किशोर कुमार ने पूछा तुम हो राजेश खन्ना, राजेश खन्ना ने बोला जी सर मैं ही हूँ। एक्टर क्या बनने आया, उन्होंने बोला मैं सेवा करने आया हूँ। किस तरह की सेवा, इंटरटेन के जरिए मैं लोगों को दिल बहलाना चाहता हूँ, लोगों को इंटरटेन करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, और भी इस तरह के कुछ किशोर कुमार ने सवाल पूछे बेरुखी से, और जब तक किशोर कुमार साहब सेटिस्फाई नहीं हुए वो सवाल पूछते ही गए राजेश खन्ना को, राजेश खन्ना भी जवाब देते रहे। काफी देर तक ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, और इस दौरान राजेश खन्ना को किशोर कुमार ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। जब किशोर कुमार संतुष्ट हो गए एक डेढ़ घंटे बाद, तब किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से कहा कि लो पानी पियो, और क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी। राजेश खन्ना साहब समझ गए कि किशोर कुमार साहब उनको परखना चाहते थे, जब उन्होंने परख लिया कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं उनके गाने को ख़राब नहीं करूँगा, तब उन्होंने पानी और चाय पूछा। वैसे थे किशोर साहब और ऐसे थे राजेश खन्ना, और इसके बाद राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जो जोड़ी बनी और इन्होंने जो मनोरंजन किया हमारा, जो गाने हिट दिए, वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन पहली मुलाकात में किशोर कुमार ने राजेश खन्ना को एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमारे बॉलीवुड में मौजूद है। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए।